कांग्रेस ने कांग्रेस पे तो विश्वास करेंगी नहीं, 50 साल सरकार रही उनकी, उन्होंने क्या किया 50 साल में, मध्य प्रदेश को लूटा है। कांग्रेस को दूसरा काम है क्या ये तो बताइए आप मेरे को, उनको तो सोते में भी मामा दिखते हैं। उनने कहा यार शिवराज सिंह जी क्या है यार, इलाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, बच्चे के करंट में हाथ जले थे, मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने 7 लाख रुपए इसके हाथ बचाने में लगाए थे, ऐसा जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सातों समाज के वर्ग के लिए काम किया, इस बालक को देख लो, इस बालक के इलाज में 7 लाख रुपए लगाए थे और हम खुद लेके गए थे, जननायक शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, इसको देखा भी था अस्पताल में, आज तक भूतो ना भवस्ती ऐसे मुख्यमंत्री ना हुए हैं ना कभी होंगे। तो वो दिन भी देखे हमने जब मक्के की राबड़ी खाकर वो दिन निकालते थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 रुपये किलो गेहूँ 2 रुपये किलो चावल देखे, उन गरीबों के घर में भी पकवान बनाने का काम किया है। आप कैसे देखते हैं इसको कि मामा का कितना जो है लोकप्रियता बनी हुई है? मामा के सब चाहने वाले हैं और मामा ने अच्छी तरह से विकास किया है और आगे भी हम मामा को ही सहयोग देना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास हुआ है जी जी, लाडली बहना से लेकर के तमाम जो है सारे प्रदेश की महिलाओं को जो है अपनी बहन मानना, सारे भांजा भांजी, तो क्या लगता है आपको कि लोगों में अभी चाहे लोकप्रियता बनी हुई है? जी उनके बहुत भावनाएं हैं और बढ़िया है, ये काम किया उन्होंने, वजीफा देना, ये तमाम जो है लड़कियों को स्कूटी वो देना, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, बिल्कुल दोबारा जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे, हम उनके साथ हैं, क्योंकि जनता ये अंदर जान रही है अपने आप के अंदर के मामा ने क्या काम किया है, जैसा उनका काम है, जैसे मामा उन्होंने एक लकब दिया है सबको पूरे एमपी को, जो मामा का लकब है वो छोटा मोटा लकब नहीं है, मामा बहुत अच्छी चीज़ है और मामा जिसका साथ दे देता है और दिया है तो उनका बेड़ा पारी हुआ है। मामा को पसंद करते हो? मामा को जी हा? जी वोट करोगे? क्या बोलोगे पापा को, वोट करना है मामा को जी हा? अच्छे लगते हैं मामा जी हा? स्कूल में आपको वजीफा मिलता है जी? स्कॉलरशिप मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है जी। बहुत अच्छा। मामा जिस तरह से पिछले खैर सरकार जो भी आई लेकिन आप जो जो मुख्यमंत्री हैं वो अच्छे हैं आपके लिए जी? अच्छे हैं, आगे भी रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं जी। कार्तिक चौहान सब अच्छा। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रिंस चौहान। क्या लगता है आपको मामा दोबारा आएंगे? आएंगे आएंगे आएंगे। आपको स्कॉलर मिलता है? मैं स्कूल ही नहीं जाता हूँ। स्कूल नहीं जाते हो? दोनों हाथों नहीं है, अरे रे रे मजबूर। तो फिर भी आपको कुछ, ये देखो ना ये दोनों हाथ नहीं है, मामा आपको सहायता देते हैं? देते हैं देते हैं। मामा ने करवाया था पूरा इलाज, मामा ने करंट में हाथ जले थे इस बच्चे का, इधर इस बच्चे के करंट में हाथ जले थे, मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने 7 लाख रुपए इसके हाथ बचाने में लगाए थे, ऐसा जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सातों समाज के वर्ग के लिए काम किया, इस बालक को देख लो, इस बालक के इलाज में 7 लाख रुपए लगाए थे और हम खुद लेके गए थे, जननायक शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, इसको देखा भी था अस्पताल में, आज तक भूतो ना भवस्ती ऐसे मुख्यमंत्री ना हुए हैं ना कभी होंगे। मामा सातों समाज और सातों कौम को साथ लेके चलते हैं और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 150 सीट लेके इस बार मुख्यमंत्री, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और आज आप देखो वो जमाना देखो जब गरीब लोगों को अपने बेटा और बेटियों की शादी करना होता था तो बंधुआ मजदूरी, सुंदरलाल को अगर अपने बेटे कालू की शादी अगर करना होता था तो 20,000 सुंदरलाल लेता था और 20,000 उसका बेटे कालू, 40,000 रुपये लेके बंधुआ मजदूरी किसी पटेल के यहाँ करते थे जब अपने बेटे की शादी करते थे, यानी कि उसकी गुलामी कामदारी में निकल जाती थी, जिसको बोलते थे कामदारी, बंधुआ मजदूरी को बोलते थे कामदारी और वो उनकी गुलामी बंधुआ मजदूरी में निकल जाती थी। आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वो लोग फ्री हैंड हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमने वो दिन भी देखे हैं जब सातों समाज के गरीब मक्के की राबड़ी पीते थे। मेरा गांव है पास में कोसमी, वहाँ के आदिवासी बेचारे मक्के की राबड़ी, एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर रबड़ी बनती थी और उनके यहाँ घर राबड़ी, तो उसने मुझसे बोला मेरे घर रबड़ी खाई, उसने बोला आज मेरे घर आपको राबड़ी खाना, मैंने सोचा राबड़ी रबड़ी होगी पर जब जाके देखा तो वो खट्टी लगी, मैंने कि ये क्या है, कि राबड़ी है भाई, राबड़ी है मक्के की राबड़ी। तो वो दिन भी देखे हमने जब मक्के की राबड़ी
खाकर वो दिन निकालते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल देखे, उन गरीबों के घर में भी पकवान बनाने का काम किया है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। मध्य प्रदेश में अगर विकास किया तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है। 2004 में जब सरकार बनी उसके बाद मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदली है भाइयों। इसलिए कहता हूँ इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 150 सीट से मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये विकलांग लड़का है, इनका सारा का सारा खर्चा खर्चा जो है इलाज सारा इलाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और ऐसे ही नहीं, एक सेन समाज का गरीब है, सेन समाज से उसका पेट पूरा खराब होगा, 7 लाख रुपए का इलाज हुआ है नर्मदा हॉस्पिटल में। हर वर्ग के लिए काम किया है उन्होंने, सबका साथ सबका विकास। और भारतीय जनता पार्टी की तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। आज आप देख रहे हो 24 घंटा बिजली मिल रही है, गालों की तरह रोड हैं, पानी की व्यवस्था कर दी, टोटी वाले नल लगवा दिए घरे घर, घरे घर लगे, टोटी चालू करो पानी भरो। लगातार जिस तरह से जो कांग्रेस जो है उनका जो है प्रहार करती है, उनकी आलोचना करती है और ये कहती है कि हम उनसे भी बेहतर जो है सुविधाएं प्रदेशवासियों को देंगे, आपको विश्वास है कि वो लोग करेंगे? कांग्रेस ने कांग्रेस पे तो विश्वास करेंगी नहीं, 50 साल सरकार रही उनकी, उन्होंने क्या किया 50 साल में? मध्य प्रदेश को लूटा है, सिर्फ मध्य प्रदेश को लूट के उनने अपने घर भर रहे हैं। कांग्रेस के नेता तो लग्जरी गाड़ियों में आते हैं, बंद कांच में बैठे रहते हैं और चले जाते हैं। कहेंगे मामा को किस तरह से जो है आप शुभकामनाएं करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं मामा? सरकार बनाए। आप दोबारा से मुख्यमंत्री चाहते हो? यस। मामा सर, जब आप देखते हैं कि सबका साथ सबका विकास जैसे मोदी मंत्र है, अब मामा भी इस तरह से, आपको लगा कभी कि आपके साथ उपेक्षा हो रही हो और इस तरह से जो है जैसे कि कांग्रेस कहती है कि ये सरकार ये पार्टी लगातार तुष्टिकरण की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति करती है, ऐसा लगा आपको? कांग्रेस का काम ही यही है, कांग्रेस को दूसरा काम है क्या? ये तो बताइए आप मेरे को। उनको तो सोते में भी मामा देखते हैं, उनने कहा यार शिवराज सिंह जी क्या है यार, इतना 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 बढ़िया मुख्यमंत्री, इतना अच्छा मुख्यमंत्री जिसको मिला हो। आज मैं भी क्या नाम है 20 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मुझे किसी बुलाया थोड़ी है, मैं खुद मामा के स्वागत के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे मालूम चल रहा था मामा आए। बच्चों का जो वजीफा है, जिस तरह से बच्चों का स्कॉलरशिप है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए लगातार जो है स्कूलों में उनको लाभ मिल रहा है क्या? पूरा लाभ मिल, सबको पूरा लाभ मिलता है। बच्चों को साइकिल मिली है स्कूल से, किताबें पुस्तकें मिली हैं, सेम राइज में पूरी पढ़ाई चल रही बच्चों की, हर सुविधा। बाबू जी, आपने कई सरकार देखी हुई है, लगातार ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने देश के लिए सबसे बड़ी पार्टी है। शिवराज सिंह को बनाना है, अच्छा और वही साथ देंगे। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी कहते हैं कि हम जो है बेहतर करेंगे प्रदेश के लिए, आपको क्या लगता है कांग्रेस का क्या रहा, आपका कांग्रेस का भविष्य क्या रहेगा? मुख्यमंत्री के मेरे को बोलता नहीं आता भाई साहब। हाँ, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हाँ, किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? चौहान साहब। शिवराज साहब को? हाँ, चौहान साहब को देखना चाहते हैं।